इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे अगर आप भी माई जियो एप्लीकेशन चलाते हैं तो माई जियो एप्लीकेशन से लॉग आउट कैसे करते हैं, माई जियो एप्लीकेशन को लॉग आउट कैसे करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। बेसिकली हमने पिछली सभी वीडियो में माई जियो एप्लीकेशन के बारे में लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो आज की ये लास्ट वीडियो माई जियो एप्लीकेशन के ऊपर होगी जिसमें हम आपको माई जियो एप्लीकेशन का जो है लॉग आउट करना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। माई जियो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश वगैरह हो जाने देना है। होने के बाद यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को पहले समझ लीजिए। तो उसको आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको इसको पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की थ्री लाइन से माई जियो एप्लीकेशन को लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करेंगे। इस लाइन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है सेटिंग्स का। सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कई सारे ऑप्शन को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। तो लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस मतलब हमने अपने नंबर को जहाँ जहाँ से लॉग अकाउंट बना रखा है, मतलब जहाँ जहाँ हमने लॉग इन कर रखा है वहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार पूछा जाएगा कि आप श्योर है आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं, तो जहाँ हम प्रोसेस करना चाहेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और आपने अपने माई जियो अकाउंट का माई जियो अकाउंट है एप्लीकेशन से लॉग आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप कोई नया नंबर डालकर डायरेक्ट फिर से एक बार साइनअप कर सकते हैं, या फिर अपना जो पुराना नंबर है वो भी डाल सकते हैं। साथ ही जियो फाइबर वाला नंबर डालेंगे, जो वाईफाई का ऑप्शन है, जियो लिंक है, जो भी आप खोलना चाहें उस इसको खोल सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि अपने माई जियो ऐप को लॉग आउट कैसे किया जाता है। एक सेकेंड का काम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।